हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी चंद ही दिनों में जा सकती है। इस बात का खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के हवाले में बताया गया है कि खुद खट्टर साहब को यह अंदेशा हो गया है कि चंद ही दिनों में उनकी कुर्सी जा सकती है। खट्टर साहब ने अपने आरएसएस के मित्रों को पिछले दिनों में खाने पर बुलाया था। इन साथियों ने खट्टर साहब को कहा कि उन्हें तीनों लाल यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के रिकॉर्ड को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। खट्टर साहब ने कहा कि वे इस तरह कोई हसरत नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें तो लगता है कि वह चंद दिनों के मेहमान हैं, चंद दिनों में उनकी विदाई सीएम पद से हो सकती है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब वो मोदी साहब से मिले थे तो प्रधानमंत्री मोदी उनके पुराने मित्र हैं। उन्होंने खट्टर साहब से पूछा कि क्या वे अपने पोजीशन से खुश हैं, क्या वो अपने कामकाज से खुश हैं। इस खुश का मतलब ही खट्टर साहब को खटक गया। खट्टर साहब मोदी साहब के अंदाज को, उनकी बातों को बखूबी समझते हैं। मोदी साहब की बात से अंदेशा हो गया खट्टर जी को कि उनकी कुर्सी चंद दिनों में जा सकती है, उनकी विदाई हो सकती है। खट्टर साहब का अपने साथियों को यह संदेश देना, यह अंदेशा जताना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खिचड़ी पक रही है और खट्टर साहब की विदाई हो सकती है। यानी हरियाणा में एक सियासत में एक बड़ा धमाका हो सकता है और सीएम खट्टर साहब को कुर्सी से हटाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर इस बात की सबूत है, इस बात का संकेत है कि बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी हाईकमान में भी एक नई सोच पनप रही है और ऐसे में पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की करारी हार के चलते खट्टर साहब की कुर्सी जाने के और भी ज़्यादा आसार बन जाते हैं। जब खट्टर साहब खुद ही इस बात का अंदेशा जता रहे हैं तो इस बात में वजन भी बनता है। वजन इसलिए है क्योंकि मोदी साहब के साथ उनकी बात जुड़ी हुई है और खट्टर साहब खुद अपने दोस्तों से इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि उनकी कुर्सी जा सकती है। इतनी बड़ी बात मोदी साहब के मुंह से निकलना और इस बात के ऊपर खट्टर साहब का इशारा करना, यह संकेत दे रहा है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा धमाका हो सकता है और आने वाले दिनों में खट्टर साहब की सीएम पद से विदाई हो सकती है। बीजेपी के अंदर लगातार पिछले दिनों से चर्चा चल रही थी कि अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें पक रही हैं। इस पकावट में कहीं ना कहीं खट्टर साहब की विदाई का चर्चा भी शामिल थी। इस चर्चा में यह नज़र आ रहा है कि खट्टर साहब को हटाया जा सकता है। इस बारे में सीएम खट्टर का खुद अपने आरएसएस के दोस्तों का चर्चा करना और उनको यह संकेत देना कि मोदी साहब की गहरी बात का परिणाम इस दिशा में जाता है कि उनको कुछ दिनों में कुर्सी से हटा दिया जाएगा, उनको बदल दिया जाएगा। ऐसे में खट्टर साहब के मुंह से खुद ही इस बात का निकलना, खुद ही संकेत देना, यह बता रहा है कि खट्टर साहब कुछ दिनों में ही हरियाणा के सीएम पद से हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह दूसरा सीएम लाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का यह मजनूम बताता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़ी उठापटक हो सकती है और सीएम पद से मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो सकती है। खट्टर साहब का खुद ही इस बारे में एक आशंका जाहिर करना, अंदेशा जाहिर करना और प्रधानमंत्री की मोदी की बात को बीच में शामिल करना, यह बताता है कि खट्टर साहब को अपनी कुर्सी जाने का अंदेशा हो गया है और इसलिए वे बुझे बुझे से भी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार और प्रधानमंत्री मोदी का संकेत हरियाणा की सियासत में एक बड़ा धमाका करने की तरफ इशारा कर रहा है और ऐसे में खट्टर साहब का खुद इस बात पर मोहर लगाना, इस बात का अंदेशा जाहिर करना, यह साबित करता है कि बीजेपी में आने वाले समय में हरियाणा की सियासत को लेकर, हरियाणा की सत्ता को लेकर बड़ा धमाका हो सकता है और खट्टर साहब की विदाई सीएम पद से हो सकती है। मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी को लेकर, उनकी सत्ता को लेकर, उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।